एक नया वीडियो, एक नई कार, तो हो जाइए तैयार मिलने के लिए फोक्सवैगन की नई सेडान वर्टस। सेडान की बात कर रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ पर हलचल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जो आखिरी किसी गाड़ी ने थोड़ी खलबली मचाई थी, खासकर मिड साइज प्रीमियम सेडान सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो थी स्कोडा की तरफ से जो गाड़ी आई थी, स्लाविया। अब स्लाविया आई है तो लाजमी था कि कुछ ना कुछ फोक्सवैगन की तरफ से आएगा, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म भी शेयर करते हैं और इसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी का ग्लोबल अनवील या वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है भारत में। गाड़ी इस वक्त आपके सामने बिल्कुल लाल कलर में चमकती हुई नजर आ रही होगी। किसी भी गाड़ी के डिज़ाइन को समझने के लिए लकीरों की जो अहमियत होती है वो शायद एक डिज़ाइनर ही जानता है, और यहाँ पर लकीरों का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। स्लाविया बार बार जिक्र आएगा उस गाड़ी का, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं। स्लाविया और इसकी अगर मैं डिज़ाइन में सबसे बड़ी डिफरेंशिएशन की बात करूं तो वो यही होगा, स्लाविया ऑक्टाविया जैसी लगती है, थोड़ी मैचो लगती है, तो यहाँ पर आपको वर्टिस में पोलो की छाप दिखेगी। एक सदा हुआ डिजाइन जहाँ कुछ भी अटपटा नहीं लगता। 4561 mm की लंबाई, 1752 mm की चौड़ाई, 1507 mm की उम्दा हाइट और 2651 mm का व्हील बेस, ये आंकड़े वर्टिस को सेगमेंट में आगे रखते हैं। गाड़ी के फ्रंट को स्लाविया से अलग बनाते हुए इसमें दिए गए स्लीक हेडलाइट जो कि इसे चौड़ा भी दिखाते हैं, और साथ में बम्पर और ग्रिल पर किया गया क्रोम का इस्तेमाल जो कि इसे प्रीमियम बनाता है। साइड प्रोफाइल में आपको पूरी स्लाविया नजर आएगी जो कि एक अच्छी बात है, और रियर साइड में नया बम्पर का डिजाइन और रैप अराउंड टेल लाइट्स वर्टिस की इस कहानी को पूरा करते हैं। डायनामिक और परफॉर्मेंस दो भागों में से बांटा गया है। परफॉर्मेंस को डिजाइन के लिहाज से अलग बनाती है जीटी की बैजिंग, डुअल टोन रूफ, बूटलेट स्पॉइलर और काले रंग का सही इस्तेमाल, फिर वो चाहे 16 इंच के अलॉय हो या ब्लैक ओवीआरएम्स। मुकाबले में चार गाड़ियां मौजूद जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला होगा होंडा सिटी के साथ, और आंकड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। वर्टस के डिजाइनर्स ने बखूबी काम किया है, और जिन 6 रंगों का आप इस गाड़ी में खरीद सकते हैं वो भी असरदार लग रहे हैं। गाड़ी का इंटीरियर आपको नजर आ रहा है, इंटीरियर में भी लाइनों का बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। अब ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये लाइनें किसी गाड़ी को अच्छा या बुरा, शांत या किसी और रूप में दिखा सकती हैं। यहाँ पर गाड़ी शांत लग रही है, प्रीमियम लग रही है, और बिल्कुल टाइगर में जो कुछ आपको दिख रहा था बिल्कुल वही का वही रेप्लिकेट किया हुआ आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। लाल रंग का जो इस्तेमाल है, जैसे कि मैंने कहा ये जीटी है परफॉर्मेंस बैजिंग, तो यहाँ पर लाल कलर का इस्तेमाल आपको दिखेगा। उसी तरीके से आप सीट पर भी देख सकते हैं लाल कलर का जो इस्तेमाल है, क्योंकि एक स्पोर्टी फील देने की कोशिश की गई है। इंजन के मामले में तो आपको स्पोर्टी फील मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे दो इंजन ऑप्शन है जो कि दिए गए हैं, वही सेम जैसे कि टाइगर में दिए गए थे, 1.5 लीटर का और 1 लीटर का, सेम पावर और टॉर्क फिगर है। लेकिन ये एक 3-बॉक्स सेडान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो एक एसयूवी थी, यानी कि दोनों के मैनरिज्म में, राइड एंड हैंडलिंग में फ़र्क ज़रूर आएगा। लेकिन अभी आप इसके इंटीरियर का मज़ा ले लीजिए। 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, कूल ग्लव बॉक्स। लिस्ट बेहद लंबी है, सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है, चाहे वो 6 एयरबैग हो, ESC, हिलोल कंट्रोल या एडजस्टेबल हेडरेस्ट। मार्केट डिमांड के अनुसार सभी फीचर्स दिए गए हैं जो कि एक अच्छी बात है। तब तक इसका रियर सीट को चेक करना जरूरी है, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सी गाड़ियां ऐसी होती है जो कि शॉफर ड्रिवन होती हैं, और ऐसे में बैक सीट यानी कि रियर सीट कंफर्ट एक बहुत बड़े मायने रखता है, और वो भी तब जब इसकी टक्कर है होंडा सिटी, ह्यूंडई वर्ना और स्लाविया या फिर मारुति की शियाज जैसी गाड़ियों से। उनमें से 3 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि काफी समय से बाजार में मौजूद हैं। स्लाविया इकलौती ऐसी गाड़ी है जो कि बाजार में अभी अभी आई है, लेकिन इन तीनों गाड़ियों का अपना ही एक अलग रुतबा मौजूद है, और उन तीनों गाड़ियों में भी अपडेट बहुत जल्दी आने वाले हैं, यानी कि इसके लिए सफर आसान नहीं होगा। चेक करिए लेग रूम और हेड रूम, मैं सेडान की बात कर रहा हूँ, और इस सेडान की खास बात क्या है कि यहाँ पर व्हील बेस पर अच्छा काम किया गया है, यहाँ पर हाइट पर अच्छा काम किया गया, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऊँची कार कहूँ गलत ना होगा। ये जो गाड़ी है इसमें आपको सनरूफ भी दिख रहा होगा, रेयर में आपको AC वेंट भी दिए गए हैं, 2 USB चार्जर भी दिए गए हैं,
एक चीज जो मुझे थोड़ी खटक रही है वो है प्लास्टिक क्वालिटी, इट डजंट लुक दैट प्रीमियम, क्योंकि हम बार बार वर्ड प्रीमियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सीट का जो कंफर्ट है दैट इज वेरी गुड, इट्स नाइस फील आ रही है, जिससे ये बात क्लियर है कि लंबे सफर पर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अंडर थाई सपोर्ट भी बेहतर है, और सेफ्टी के मामले में, क्योंकि अगली बात मैं सीट बेल्ट से लेने जा रहा था, आपको तीन सीट बेल्ट के साथ साथ सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल किया गया है। 40 से ज्यादा सेफ्टी के फीचर्स हैं जो कि आपको फोक्सवैगन की नई वर्टुस में मिलते हैं। अगेन अ क्लियर इंडिकेशन कि सेफ्टी कितनी जरूरी है, और ये वो कंपनी है जहां पर 6 एयरबैग्स बहुत पहले से दिए जाते थे स्टैंडर्ड। तो वर्टुस का जो आपका इंतजार है वो बहुत ज्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा, मई का दूसरा हफ्ता ये गाड़ी सड़कों पर नजर आनी शुरू हो सकती है, और कीमत आप जानते हैं 10 लाख से 16 लाख के बीच में इसके ये जो दो अलग अलग परफॉर्मेंस वेरिएंट बनाए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी रहेगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये एक बहुत छोटा सेगमेंट है, और इस छोटे सेगमेंट में आप आपस में भिड़ रहे हैं, और वो भी तब जब बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं है, यानी स्लाविया और वर्टिस के चक्कर में कहीं सिटी या शियाज बाजी ना मार जाए।